एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव, आपने क्लिक किया है एस्ट्रोसेज द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। दलाई लामा, नेल्सन मंडेला, ये नाम सुनकर आप किन गुणों को विजुअलाइज करते हैं? करुणा, दया, सहानुभूति, स्नेह जैसे गुण आपकी आंखों के सामने तैर जाते होंगे। ये दोनों महान हस्ती का संबंध है कर्क से। बिल्कुल ऐसे ही गुण और भाव होते हैं आप कर्क वालों के। कर्क यानी कि कैंसर एसेंडेंट्स जो होते हैं, इनका राशि चिन्ह होता है केकड़ा। हम आपको बता रहे हैं लग्न राशिफल। आपके लग्न में अगर कर्क है, यानी कि आपकी जो कुंडली बनती है वो 4 नंबर की है, तो आप कर्क लग्न के जातक हुए। तो आपके लिए 2020 कैसा बीतने वाला है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, चूंकि आपकी राशि का प्रतीक केकड़ा होता है, तो देखकर लगता है कि ये बहुत कठोर है, और दुष्टों पर असल में आप कठोर है भी, लेकिन आप दिल के बहुत नरम और संवेदनशील होते हैं। और आप कैसे होते हैं, चलिए मैं बता देती हूँ, मिलवाती हूँ आपको आपसे। आप कमाल के कल्पनाशील होते हैं, वफादारी आपके रगों में दौड़ती है, तेज तर्रार होते हैं आप। आप कोई भी काम तब करते हैं जब आप उसके लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं, और खास तौर से वो काम आप बिल्कुल नहीं छोड़ते जब आपसे कोई कह दे कि छोड़ो ये तुमसे ना होगा। दूसरी राशि के लोग अगर आपसे कुछ सीख सकते हैं तो वो है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय है तो जाहिर तौर पर आप कामयाब हैं, और कलयुग में कामयाबी मापने का पैमाना होता है दौलत। अगर आप कर्क लग्न के हैं तो धन्य धान्य से हमेशा परिपूर्ण रहेंगे। आप अपने परिवार या करीबी दोस्तों में शांति और खुशियां ढूंढते हैं, लेकिन जल्द ही आपको यह एहसास होता है कि ये सब केवल आपको अस्थायी खुशी देने वाले सोर्सेज होते हैं। आपकी असल खुशी कहीं और ही होती है, जो बड़े ही मायावी तरीके से आपको मिलती है। आपको मूड स्विंग्स बहुत आते हैं, यूं कह लीजिए कि आप गुस्सा तो करते नहीं, और अगर कर दिया तो मामूली सी बात पर भी आप गुस्सा हो जाते हैं और मामूली सी बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं। आपके दुश्मन बाहर दुनिया में कम होते हैं, आपके अंदर आपका सबसे बड़ा दुश्मन छिपा है। दरअसल आप अपना पास्ट पकड़ कर बैठे रहते हैं और उसे आसानी से जाने नहीं देते। आपकी ये हरकत आपको बेहतर भविष्य बनाने से रोकती है। अपनी इस भावना पर अगर आपने काबू पा लिया तो कल मिलने वाली तरक्की आपको आज ही मिल जाएगी। अब बात चुके कल की हो रही है, तो आपका आने वाला ये पूरा साल कैसा बीतेगा ये सुन लीजिए। कर्क लग्न के अगर आप हैं तो आप इस साल परिवार या किसी बाहरी सदस्य को लेकर थोड़े से परेशान रह सकते हैं, क्योंकि ये परेशानी वो पैदा करेंगे और थोड़े से कूटनीतिक ढंग से करेंगे, जिसे आप शुरू में पकड़ नहीं पाएंगे। चूंकि आप इमोशनल होते, भावनात्मक पहलू आपका बहुत मजबूत होता है, तो उस लिहाज से आप हर चीजों को इमोशनल लेवल पर देखते हैं, तो आपके इमोशंस का लोग फायदा उठा जाते हैं। ये फायदा उठाकर कोई आपको परेशान कर जाएगा तो आपको अलर्ट रहना है। किन से? अपने करीबियों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से। घर में थोड़ी सी तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है इसी वजह से, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाएंगी जिस वजह से तनावपूर्ण स्थिति हो जाएगी। अगस्त से अक्टूबर तक आपको हेल्थ पर खासा ध्यान देना है। नए काम अगर शुरू करने के लिए पहले से जो प्लानिंग कर रखी थी, अभी रुक जाइएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, प्लानिंग थोड़ी और करनी है। और इस प्लानिंग में आपको सलाह लेनी है किन की? बुजुर्गों की। मई के बाद आपके लिए विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, और कोई नई जॉब भी आपको मिल सकती है। आप पुरानी जॉब जो कर रहे हैं वो भी आपके लिए अच्छी है, लेकिन जो नई जॉब आपको मिलेगी, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, वो बेहतरीन हो जाएगी। आपको फिर लगेगा कि शायद इससे बेहतर मौका अब नहीं मिलेगा मुझे। ये मौका आपको मिलेगा, ग्रैब कर लीजिएगा। माता जी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। विद्यार्थी अगर आप हैं तो आपकी लाइफ अच्छी रहने वाली है, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन मेहनत जारी रखिएगा। इस पूरे साल के लिए अगर आप कुछ उपाय करना चाहते हैं तो क्या करना है? आपको भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी है। सोमवार का दिन चुनिएगा और इस दिन आपको भोलेनाथ की आराधना करनी है। कुंडली दिखा लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा किन चीज़ों का आपको दान करना है। आमतौर पर सफ़ेद चीज़ें दान आप कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले कुंडली दिखा लीजिएगा। समय के अनुसार ज़रूरतमंदों की आपको सेवा करनी है, और सहयोग तो हमेशा करना ही है, और ये तो आपकी नेचर में शुमार है, आप तो यूँ भी सहयोग करते हैं, और इस तरीके के सहयोग ही आपको कई परेशानियों से बचा जाते हैं। ये पूरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपको करना क्या है? आप चूंकि कर्क लग्न के हैं तो आपके जितने कर्क लग्न के दोस्त हैं, परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबको वीडियो तो शेयर कर ही दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर ही रखा होगा, ना भी किया है तो कर लीजिए, और कर लिया है तो और 5 लोगों को बोलिए चैनल सब्सक्राइब करने को। ये कौन लोग हो सकते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। आप इतने सारे ग्रुप्स चलाते हैं, उन ग्रुप्स में से कुछ लोग हो सकते हैं। अगर 5 ग्रुप तो चला ही रहे होंगे, उन 5 ग्रुप के जो एडमिन हैं आप उन्हीं को कम से कम बोलिए सब्सक्राइब कर लेने को।
उसके अलावा ये कौन लोग हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके बच्चों के दोस्त हो सकते हैं, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपके बॉयफ्रेंड का फ्रेंड हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं जिनको आप ये वीडियो शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और चैनल सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर किसी तरीके की एस्ट्रो एडवाइस चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा बिल्कुल सटीक। इसके अलावा भी कुछ करना है तो प्ले स्टोर जाकर ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, इससे आप अपनी कुंडली खुद भी बना सकते हैं। और आखिर में जो आपको किया जाना है वो क्या, वो नोटिफिकेशन पर आपको वापस लौटना है, क्योंकि मैं भी लौटूंगी। तो नए साल में ढेर सारी खुशियां बटोरिए आप और इस खुशियों को बांटते रहिए, जैसा आपका नेचर है, बस इस नेचर में आप शुमार रहिए। नमस्कार।